गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम कमिंग बैक विद द न्यू चैप्टर ऑफ जीके बुक, दैट इज द चैप्टर नंबर 4, अंडर वाटर। अब हम यहाँ पे अंडर वाटर के बारे में पढ़ेंगे, लाइक वाटर के अंदर जो जो चीज़ होती है, मतलब जितने भी क्रिएचर्स होते हैं उनके उनसे रिलेटेड ये टॉपिक है हमारा, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। विद ओवर 70% ऑफ द अर्थ सर्फेस कवर्ड विद सॉल्ट वाटर, जो हमारा अर्थ सर्फेस है ऑलमोस्ट 70% वो कवर्ड है सॉल्ट वाटर से। तभी तो आप कभी भी पानी को जब टच करते हो, उसको टेस्ट करते हो, तो आपको दिखता है कि वो बहुत खारा सा है पानी, जस्ट बिकॉज ऑफ 70% इसमें सॉल्ट वाटर होता है हमारे अर्थ सर्फेस पे, ठीक है। द अर्थ ओशंस आर होम टू 2,30,000 नोन स्पीसीज, जो अर्थ पे मतलब 2,30,000 स्पीसीज का घर है। रीड द अमेजिंग फैक्ट अबाउट दीज अंडर वाटर क्रिएचर एंड राइट देयर नेम यूजिंग द हेल्प बॉक्स। अब हमें यहाँ पे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स, मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें पढ़नी है अंडर वाटर क्रिएचर के बारे में, और हमें उसके नाम बताना है यूजिंग द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है हमारे पास नेम, ये पूरे अमेजिंग फैक्ट्स, मतलब उनके बारे में पढ़ने के बाद हमें उसका नाम बताना है, राइट। सो फर्स्ट वी हैव इट सर्वाइव फॉर मोर देन 650 मिलियन ईयर एगो मच बिफोर द डायनासोर, दैट इज जेलीफिश। जो जेलीफिश है वो सर्वाइव करता था 650 मिलियन ईयर एगो पहले डायनासोर से, राइट। मतलब जेलीफिश डायनासोर से पहले सर्वाइव करता था, राइट। सेकेंड, इट कैन प्रोड्यूस सफिशियंट इलेक्ट्रिसिटी टू लाइट अप 10 बल्ब्स। वॉट इज इट? इलेक्ट्रिक ईल। इलेक्ट्रिक ईल है जो प्रोड्यूस करता था, मतलब उसके पास इतना सफिशियंट लाइट होता था कि वो प्रोड्यूस करता था अप टू 10 बल्ब के बराबर। मतलब जो उसकी लाइट प्रोड्यूस होती थी ना, वो पूरे 10 बल्ब के बराबर होती थी। क्या नाम है उसका? इलेक्ट्रिक ईल। नाउ थर्ड वी हैव इट स्लीप्स ओनली विथ हाफ ऑफ इट्स ब्रेन एंड विथ वन आई ओपन सो दैट इट कैन वॉच आउट फॉर प्रीडेटर्स। डॉल्फिन इसका नाम है। डॉल्फिन जो है वो जब वो सोता है तो अपना हाफ ब्रेन उसका सोता है, सिर्फ डॉल्फिन का सिर्फ हाफ ब्रेन सोता है, उसकी एक आई ओपन रहती है। क्यों रहती है ओपन? बिकॉज अगर कोई भी शिकारी प्रीडेटर्स उसके ऊपर शिकार करता है तो उससे वो आगाह हो जाता है। इसकी वजह से ये रीज़न है कि वो अपना हाफ ब्रेन उसका, मतलब उसका हाफ ब्रेन सोता है एंड दी वन आई ओपन रहता है, ओके। नाउ फोर्थ वी हैव इज इट हैज 3 हार्ट एंड द कलर ऑफ इट्स ब्लड इज ब्लू, दैट इज ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के 3 हार्ट्स होते हैं, राइट। हम ह्यूमन बींग के 1 हार्ट होते हैं ना, बट यहाँ पे ऑक्टोपस जो ये अंडर वाटर क्रिएचर है, इसके 3 हार्ट्स होते हैं और उसका ब्लड होता है ब्लू इन कलर, ब्लू कलर में, ओके। फिफ्थ, दे लिव ऑन एवरी कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट अंटार्कटिका, दैट इज टर्टल। टर्टल जो है वो सारे कॉन्टिनेंट में, अर्थ पे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उस पर रहता है ओशन में, सिर्फ अंटार्कटिका में नहीं रहता है, मतलब नहीं पाए जाते हैं, राइट। ये सारे कॉन्टिनेंट में टर्टल पाए जाएंगे बट अंटार्कटिका में नहीं। सिक्स वी हैव दे हैव नो हेड माउथ आई फिलर बोन्स हार्ट लंग्स और ब्रेन येट दे आर अलाइव, दैट इज सी स्पॉन्जेस। सी स्पॉन्जेस जो हैं उनके पास ना तो हेड होता है, माउथ होता है, आइज होता है, बोन्स, हार्ट, ठीक है, लंग्स, ब्रेन, कुछ नहीं होता है, बट फिर भी वो जिंदा रहते हैं। क्या नाम है? सी स्पॉन्जेस। सेवन, इट्स हार्ट इज इन इट्स हेड। श्रिम्प, श्रिम्प जो है उसका हार्ट उसके सिर में होता है, राइट। एट, दे हैव क्लोज टू 1 लाख टेस्ट बर्ड्स। कैटफिश, जो कैटफिश है उसका जो टेस्ट होता है, बर्ड्स ऑफ टेस्ट होता है, वो होता है 1 लाख। सो आई होप ये स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा पूरा चैप्टर आपको, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको आपकी जिस दिन क्लास होगी जीके की उस दिन सेंड कर दूँगी, ओके स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।